हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल JEN अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो अपना चैप्टर चल रहा है वॉल्यूम, पहले तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम भाई। कैसे हो आप सभी? और बढ़िया एकदम। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए आज जो अपना चैप्टर चल रहा है वॉल्यूम, उसमें अपन बात कर रहे थे शंकु की, बात चल रही थी आपने, ठीक है। शंकु में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कोन कटिंग की। कोन कटिंग का मतलब है शंकु को काटने से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये शंकु इस तरीके से होता है, अगर मैं शंकु को काट दूं बीच में से, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक शंकु बना दिया और इसको मैंने यहाँ से काट दिया। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो ये पूछ सकता है अपन से वॉल्यूम का रेशियो, दो आकृति बनी, एक तो ऊपर वाला शंकु बना इस तरीके से और एक बना है बेटा छिन्नक, इसको बोलते हैं अपन छिन्नक, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी रेडियस में मान लेता हूँ आर वन है, ये आर टू है, ये यहाँ से यहाँ तक एच वन है, ये आपकी एच टू है, ये तिर्यक ऊंचाई एल वन है और ये तिर्यक ऊंचाई पूरी कंप्लीट एल टू है आपकी। अगर मैं इस पूरे त्रिभुज को बाहर निकालूँ, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो आपका समकोण है, मैं यहाँ पे इन दोनों को समरूप सिद्ध करूंगा ताकि मुझे जो रिजल्ट निकालना है उसके बारे में। ये वाला जो कोण, ये वाला कोण है, देखिए इस तरीके की आकृति, अगर मैं इस पूरी को बाहर निकालता हूँ तो ये मैंने बोला था आर वन है, ये आर टू है, ये एच वन था, इसकी हाइट एच टू है, ये आपका एल वन है और ये आपका एल टू है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इस वाले कोण की बात करूँ, ये दोनों एंगल, एक तो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये एंगल और ये कि कंप्लीट ये वाला ट्राइंगल है उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूँ, एक त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हों तो बेटा तीसरा कोण भी क्या होगा आपका, बराबर होगा, यानी ये थर्ड एंगल है ये भी क्या होगा आपका, बराबर। तो कोण 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 प्रमेय से मैं बोल सकता हूँ एच वन बटा एच टू बराबर होगा आपका आर वन बटा आर टू बराबर होगा एल वन बटा एल टू। अगर मैं इन दोनों के वॉल्यूम के रेशियो की बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं वॉल्यूम के आयतनों के अनुपात की बात करता हूँ, आयतनों का जो अनुपात होगा इस तरीके से था अपना डायग्राम। अभी आपको 2 मिनट तसल्ली रखनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे इसके, मैं बोल रहा हूँ आप 2 मिनट तसल्ली बना के रखिए, 2 मिनट बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक आकृति मान ली मैंने, एक मान ली मैंने दूसरी, ठीक है। ऊपर वाला भी आपका शंकु है और नीचे वाला भी क्या है आपका शंकु। अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूं, ये तो है आपका आर वन, ये था आर टू। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये है आपका एच वन और इस वाले कंप्लीट की ऊंचाई है आपकी एच टू, ये आपका एल वन है, तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट एल वन और ये है आपका एल टू। अगर मैं शंकु के वॉल्यूम बी वन अपॉन बी टू की बात करूँ तो बेटा बोल शंकु का जो आयतन होता है 1/3,
पाई आर स्क्वेयर एच। पहले की बात करूंगा, वी वन का मतलब पहला आएगा, और वी टू की बात करूंगा तो एक बटे तीन पाई आर टू का स्क्वेयर एच टू। ठीक है, एक बटे तीन पाई से एक बटे तीन पाई कैंसिल हो गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बी वन बटा बी टू बराबर होगा आपका आर वन का स्क्वेयर एच वन बटे आर टू का स्क्वेयर एच टू। क्या मैंने अभी आपको ये प्रूफ कर दिया है एच वन बटा एच टू बराबर है आर वन बटा आर टू बराबर है एल वन बटा एल टू। देखिए, जस्ट इससे पहले बात करूँ तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको कौन सी प्रमेय थी, ये कौन 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 प्रमेय से, एंगल 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 थ्योरम से, ये दोनों त्रिभुज जो थे समरूप हो गए थे, तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं वो क्या होती हैं, समानुपाती। अब आप आगे ध्यान दीजिए, क्या मैं यहाँ से b1 बटे b2 की वैल्यू लिखूं, क्या h1 बटे h2 की जगह मैं r1 बटा r2 लिख सकता हूँ क्या, तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर गुणा r1 बटे r2, तो ये r1 का स्क्वायर है ये भी r1 है, तो क्या हो जाएगा ये r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। तो मैं यहाँ से तीन पॉइंट बोल सकता हूँ यदि मुझे वॉल्यूम का आयतन चाहिए। अगर मेरे पास रेडियस का रेशियो दे रखा है तो वॉल्यूम का अनुपात क्यूब होगा रेडियस के, अगर ऊंचाई दे रखी है तो एच वन का क्यूब बटे एच टू का क्यूब, और अगर मेरे पास स्लेंट हाइट त्रियक ऊंचाई दे रखी है तो एल वन का क्यूब बटे एल टू का क्यूब। क्या ये बात क्लियर है आपको, ये एल टू है आपका, क्या ये बात क्लियर है अब आपको। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, समझिए कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछता है, यहाँ तक की बात का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप एक बार। हाँ, सभी को राधे राधे भाई। हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भाई? अगर मैं यहाँ पे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन में, तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, इसकी बात करूंगा तो सी वन का स्क्वायर बटे सी टू का स्क्वायर, सी वन बटे सी टू या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल, कितना होगा पाई आर एल, ये भी कितना है आपका पाई आर एल, ये वन है तो ये टू हो जाएगा, ये वन ये टू, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अगर मैं वही पिछला पॉइंट लिखूं आर वन बटा आर टू इक्वल है एच वन बटा एच टू बराबर आएगा आपका एल वन बटा एल टू, ठीक है, तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो L1 बटा L2, क्या मैं L1 बटे L2 की जगह R1 बटे R2 लिख सकता हूं क्या, R1 बटे R2 ये तो पहले वाला ये लिख दिया मैंने, और L1 बटे L2 इसकी जगह क्या मैं R1 बटे R2 लिख दूं क्या, R1 बटे R2, तो R1 R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, और अगर मेरे पास ऊंचाई में रेशियो दे रखा है तो मैं सीधा लिखूंगा C1 बटे C2, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, अगर R में दे रखा है तो, अगर ऊंचाई में दे रखा है तो H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर, और अगर L में दे रखा है त्रियक ऊंचाई में तो L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो वर्ग करना है अपन को, और अगर आयतनों का अनुपात पूछे बेटा तो आयतनों का अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे अपन, क्यूब कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अब देखो अगर मैं इस पे क्वेश्चनों की बात करता हूँ तो अब क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक शंकु है,
एक शंकु को चाय के अनुदेश दो बराबर भागों में काटा जाता है। दो इस प्रकार बनी आकृतियों के आयतनों का अनुपात बताइए। अब देखिए पूछना क्या चाहता है आपसे, ये पूछना बेटा ये चाहता है आपसे, अगर मैं इसको ऊंचाई के अनुदिश काटूंगा तो देखना ये इस तरीके से बनेगा, ये दो आकृति बनेंगी, एक तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे ये छिन्नक, ये आकृति एक है ये आकृति दो है, इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। अब आप ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसने बोला है बराबर भागों में काटा जाता है, ऊंचाई के अनुदिश काटा, ये एक है तो नीचे वाली भी कितना है एक है, अगर मैं कंप्लीट हाइट की बात करूं तो कंप्लीट एक में एक जोड़ा कितना आएगा दो, ठीक है। अगर मैं इस छोटे वाले पहले अगर शंकु के आयतन की बात करूं तो मैंने ये बताया वॉल्यूम का रेशियो बी वन अनुपात बी टू की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई एक है तो इधर तो करूंगा मैं एक का क्यूब, और ये कंप्लीट की ऊंचाई कितनी है दो, तो दो का क्यूब, ये एक का क्यूब आया एक और दो का क्यूब कितना आया आठ। अब आप बात को समझना कि कहना क्या चाहता है, इस पहले वाले का जो वॉल्यूम है ऊपर वाली आकृति का वो तो है एक, और ये कंप्लीट यहां से यहां तक का वॉल्यूम है आठ, मुझे क्या कंप्लीट चाहिए क्या, नहीं, इस ऊपर वाले पार्ट को क्या है मुझे हटाना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो कितना है एक और ये टोटल था आठ, आठ में से एक ये, तो ये कितना बचा सात, तो इसने पूछा इन दोनों आकृतियों का वॉल्यूम तो कितना आ जाएगा एक अनुपात सात आंसर। ये बात क्लियर है आपको, क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ जी नमस्कार सभी को भाई, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? कमेंट कीजिए फटाफट। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, एक तो ये वॉल्यूम का रेशियो पूछ ले, तो वॉल्यूम का रेशियो तो मैंने अभी आपको बता दिया एक अनुपात सात। अगर ये मुझसे पूछता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम का मतलब है बेटा क्यूब करना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर करना है। अब आप मुझे ये बताइए, इस अगर मैं सी एस ए की बात करूं कर्व सरफेस एरिया, एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक का स्क्वायर अनुपात दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर कितना चार। अब मुझे ये बताइए कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक तो था चार, ऊपर वाला कितना है ये वाला एक है, तो क्या रेशियो एक अनुपात तीन आ जाएगा क्या, ये रेशियो कितना आ जाएगा एक अनुपात तीन, ठीक है ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। चले आगे, अगले क्वेश्चन में आंसर आपको देना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शंकु है इसको ऊंचाई के अनुदेश तीन बराबर भागों में काटा जाता है इस तरीके से, आयतनों का अनुपात बताना है। ऊंचाई के अनुदेश तीन बराबर भागों में काटा जाता है, पहला ऑप्शन है आपका बी वन अनुपात बी टू अनुपात बी थ्री पूछ रहा है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन है आपका एक अनुपात सात अनुपात सत्ताईस,
ऑप्शन बी है 1:8:27, ऑप्शन सी है आपका 1:7:19, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीच। बताइए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके, बताइए फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। क्या वॉल्यूम का रेशियो क्या निकल के आएगा बेटा? सबका आंसर आना चाहिए अब, यहाँ तक की बात किस किस को क्लियर हुई है ये पता लग जाएगा अभी सेकेंडों में। फटाफट आंसर दीजिए आप, इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका आंसर? अमरीश कोहली ने सी आंसर दिया भाई, बाकी सभी आंसर दीजिए। हाँ बाबू आंसर दीजिए आप। अमरीश कोहली एकदम सही है भाई, सी आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं वॉल्यूम के अनुपात की बात करूं, अगर इसकी हाइट में एक मानता हूं, ये भी एक होगी, यहां से यहां तक ये भी एक है, और यहां से यहां तक ये भी कितना है एक, तो ये तो एक हो गई। हमारा एक कलर चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ ये तो हो गई एक। अगर कंप्लीट की बात करूँ, एक में एक ऐड किया कितना हो गया दो, और एक कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई तीन। ठीक है, अब वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया B1:B2:B3, अगर मैं ये शंकुओं का आयतन निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब करते हैं, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, उसमें तीन तरीके की आकृति थी, पहली तो इस तरीके से थी, दूसरी आकृति यह थी, और तीसरी आपकी यह थी, यही आकृति थी तीनों, कंप्लीट आकृति यह थी आपकी। ठीक है, अब मैंने बोला ये तो है आपका एक, और ये यहां से यहां तक का वॉल्यूम था आपका 8, और ये कंप्लीट वॉल्यूम था आपका 27। अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं, पहले का वॉल्यूम तो इसका तो आया एक, अगर इसको यहां से मैं ब्रेक करूंगा तो बेटा ऊपर वाला पार्ट मैंने काट के अलग कर दिया, उसका वॉल्यूम था एक, 8 में से 1 माइनस किया तो इसका वॉल्यूम कितना आया 7। और जैसे मैं इस थर्ड की बात करूंगा तो इससे ऊपर वाले सारे पार्ट में उड़ा दूंगा, ये कंप्लीट का कितना था 27, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना है 8, तो 27 में से 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 19, इसका वॉल्यूम कितना है 19। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:7:19। कौन से ऑप्शन में ये देख लो, अब कौन से ऑप्शन में ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल सी आंसर आएगा, ठीक है, 1:7:19, नोट कीजिए फटाफट। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आप सभी को, ये बताओ पहले, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है क्या? लाइव वाले आंसर नहीं दे रहे हैं, लाइव क्लास वाले। ठीक है ध्यान दीजिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बेटा आपसे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफलों का अनुपात पूछूं तो बताओ क्या आएगा? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफलों का अनुपात पूछूं, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफलों का अनुपात बताना एक बार इसी क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है आपका 1:4:9, 1:3:5, ऑप्शन सी है 1:4:7, ऑप्शन डी है 1:3:6।
बताओ कौन सा आंसर आएगा। हाँ भाई भास्कर नमस्कार, 1:3:5 बिल्कुल सही है भाई, भास्कर का सही है, अमरीश कोहली का भी सही है, बिल्कुल सही है, 1:3:5 आपका। मतलब समझ तो रहे हो आप कि आंसर क्या आएगा। चलो ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपको समझ में तो आ रहा है कि रेशियो क्या आएगा। ठीक है चला आगे, देखिए ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया सीएसए की अगर मैं बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, इनका स्क्वायर करूँगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो आया 1, 4 में से 1 माइनस किया कितना आएगा 3, और 9 में से ये 4 माइनस किया कितना आएगा 5, ये क्या आ जाएगा सीएसए का रेशियो। यानी सीएसए का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 1:3:5। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ओके क्या ये बात क्लियर है आप सभी को। राम राम भाई सभी को। प्रवेंदर क्या बोल रहा है भाई, ओ चले आगे यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला है बेटा, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताइए, मैं ये बोल रहा हूँ अब, एक शंकु है, इस ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम तो है 1, और इस नीचे वाले, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इसका वॉल्यूम है 26। आयतनों का अनुपात है, ये आयतन पहले वाले का है 1, लास्ट वाले का है 27। अगर इस कंप्लीट की अगर मैं हाइट की बात करूँ, इसकी ऊंचाई दे रखी है मुझे कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो मुझे ये बताना है जमीन से या आधार से कितनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई से शंकु को काटा गया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। मैंने ये बोला भैया, ये ऊपर वाले का वॉल्यूम इस आकृति का कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है इसने 1, और नीचे वाली ये जो आकृति है, नीचे वाली ये वाली, इसका वॉल्यूम कितना है 26। अगर मैं कंप्लीट वॉल्यूम की बात करूँगा, क्या 27 आ जाएगा क्या, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है आपको, कितना आ जाएगा 27। अब इसने एक पॉइंट की बात की है अपन से, B1:B2 की बात करूँ, तो ये पहले का वॉल्यूम 1, पहले का वॉल्यूम 1, अगर मैं कंप्लीट वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 27। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब करने पर आता है, तो अगर मैं भुजाओं के रेशियो की बात करूँ, H1/H2 की बात करूंगा, तो ये तो क्यूब करने पे आएगा, बराबर क्या होगा B1/B2। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम H1/H2 की वैल्यू निकालूंगा, तो क्यूब रूट कर दूंगा किसका, छतरी में 3, B1/B2। ठीक है, तो यानी 1/27 करूंगा कितना आएगा 1/3। ठीक है, इस छोटे की हाइट 1 है, छोटे की हाइट की बात कर रहा हूँ, ये वाली हाइट 1 है, टोटल 3 थी, तो ये वाली नीचे वाले की हाइट कितनी बची 2। अब इसने ये बोला है कि बेटा आधार से कितनी ऊंचाई से इसको काटा गया है, तो आप ध्यान दीजिए, इस कंप्लीट ऊंचाई की बात करूं, 1 ये है, 2 ये, तो कंप्लीट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 3, इस 3 की वैल्यू कितनी है भैया 30, 10 से गुणा कर दिया, तो 1 × 10 कितना आएगा 10, 10 आ गया। मैं ये बोल रहा हूँ ऊपर से तो ये 10 मीटर ऊंचा है, अगर नीचे से बात करूँ तो नीचे से कितना ऊंचा होएगा आएगा, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसने बोला है आधार से, तो आधार यही है, आधार से कितने ऊंचाई से काटा गया है 10 × 2 कितना आएगा 20 मीटर।
यानी आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया बेटा इसको, 20 मीटर। ओके नोट कीजिए, आधार से 20 मीटर की ऊंचाई से इसको काटा गया है। अरे वॉल्यूम दे रखा है तो अपन को क्यूब रूट लेना है, बस ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है अगले क्वेश्चन में फिर समझिए इस टाइप का क्वेश्चन और बात करता हूँ मैं। अब की बार फिर बता देना, एक शंकु है, इस ऊपर वाले शंकु का जो आयतन है वो तो है एक, और ये नीचे वाली आकृति इसका आयतन कितना है 63। ठीक है इस कंप्लीट की जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई दे रखी है इसने, चालीस सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है आधार से कितनी ऊंचाई से इस शंकु को काटा गया है, आधार से कितनी ऊंचाई से इसे काटा गया, या जमीन से कितनी ऊंचाई पर इसे काटा गया। ऑप्शन है मेरा पहला है 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये लल्लू क्वेश्चन है एकदम, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप करते हो तो एकदम फर्जी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए, इस पहले वाले का वॉल्यूम कितना है एक, नीचे वाले का कितना है 63, तो कंप्लीट का वॉल्यूम कितना आ गया 64। तो ये आ गया वॉल्यूम का रेशियो B1 अनुपात B2। तो अगर मैं हाइट के रेशियो की बात करूँ H1 अनुपात H2, इनका क्या ले दूंगा मैं, क्यूब रूट लूंगा, क्यूब रूट ऑफ 1 और क्यूब रूट ऑफ कितना 64, एक का घनमूल 1, 64 का कितना 4, यानी कंप्लीट जो ऊंचाई कितनी है 4, 4 की वैल्यू कितनी है 40, किससे गुणा किया 10 से। अब इसने पूछा क्या है अपन से, इसने पूछा है जमीन से कितना ऊंचा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 मीटर था या 1 सेंटीमीटर था, कंप्लीट 4 था, तो इस 4 में से 1 घटाऊँ तो कितना बचा 3, और 3 में 10 का गुणा करूँगा कितना आएगा, 3 × 10 कितना आता बेटा 30, 3 × 10 करूँगा कितना निकल के आ जाएगा अपना 3 × 10 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक है ये बात क्लियर है, 30 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है आपका सी, जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पर है, ये क्लियर हो गया क्या आपको। जमीन से कितना मीटर ऊंचाई पे ये बात क्लियर हो गई क्या आपको, देखिए ध्यान दीजिए, एक बार सभी कमेंट कीजिए क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको। अरे घनमूल लेना है, घनमूल केवल क्वेश्चन में घनमूल लेना है। अब सेम यही क्वेश्चन आपसे टिकटो किसमें पूछ सकता है आपसे, सीएसए में भी पूछ सकता है, सीएसए बोले तो क्या कार्ब सरफेस एरिया। अब आप ध्यान दीजिए सीएसए में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, एक शंकु है इसको इस प्रकार कट किया जाता है बेटा, ऊपर वाले का वॉल्यूम तो है सॉरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाली आकृति का तो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, एक और नीचे वाली जो ये आकृति बची इसका कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 15। ठीक है कितना है 15, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सीएसए की बात कर रहा हूँ। अगर इस कंप्लीट की जो ऊंचाई है, कंप्लीट की ऊंचाई दे रखी है इसने आपको 60 सेंटीमीटर, तो आप मुझे ये बताइए इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा।
ऑप्शन है आपका 1:2, ऑप्शन बी है आपका 1:4, ऑप्शन सी है आपका 1:5, ऑप्शन डी है 1:6। बताओ फटाफट आंसर दीजिए। अब अभी आंसर नहीं आया किसी का भी। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। अब सीएसए की बात करेगा तो बेटा सीएसए के लिए क्या लेते हैं अपन? वर्गमूल। सीएसए बोले तो कर्व सरफेस एरिया। ये 1 है, ये 15 है, तो पूरा कंप्लीट आ गया 1:16। सी एस ए का मतलब है भैया कर्व सरफेस एरिया। सी एस ए ये 1 या 2, अगर मैं कंप्लीट की बात करूंगा h1:h2 की, तो क्या ले दूंगा? वर्गमूल ले दूंगा। 1:16। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 16 का होता है 4, तो रेशियो कितना आ गया? 1:4। अब मैंने ये नहीं पूछा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे है बेटा, अब मुझे ये चाहिए कि ये रेशियो क्या आएगा? 1:4। बिल्कुल एक अनुपात पांच नहीं आएगा भाई छोटू राम जी, 1:4 आएगा। ठीक है, क्या सबको ये बात क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। अब बेटा इसमें एक पॉइंट आता है कि शंकु के अंदर अगर मैं गोला रख दूं तो गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए आप सभी। हाँ बिल्कुल 1:4 आएगा भाई धीरज। यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? तो आगे चलें फिर। देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक शंकु के अंदर बड़े से बड़ा गोला रख दिया जाए, अब देखिए आपको गोला कैसे रखना है, इसमें गोला रखना सिखाना है आपको। अब देखिए इस शंकु के अंदर अगर मुझे गोला रखना है, तो गोला बेटा इस तरीके से रखा जाएगा। ये हो गया गोला। ठीक है, अब मान लेना कोई दिक्कत नहीं, अगर गोल नहीं बने तो भी मान लेना कि गोल ही है। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं भैया, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, शंकु की यहां से यहां तक भी कितनी होगी? स्मॉल आर ही होगी। ये मान ली मैंने गोले की रेडियस है आपकी कैपिटल आर। ठीक है, ये आपकी एल है, ये भी क्या है आपकी एल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगी? एच आ जाएगी। अब आप ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 2D में लेके जाता हूँ, 2D का मतलब है द्विभाजक है, क्षेत्रफल में बात करूं तो ये एक इस तरीके से एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज दिख रहा है, ये तो हाइट हो जाएगी इसकी एच। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के अंदर मैंने अधिकतम क्षेत्रफल वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या दो गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप, दो गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे परिमाप। ठीक है, यही लिखाया था। अब आप ध्यान दीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मानी है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर एक त्रिभुज है, इसका बेस मुझे पता है, हाइट मुझे पता है, तो क्या मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकता हूँ? 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, तो
ये दो तो फॉर्मूले में है, एक बटे दो गुणा बेस, बेस की बात करो तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक टू आर हो जाएगा, आधार हो गया टू आर, और ऊंचाई है इसकी एच, स्मॉल आर है, ये ऊंचाई कितनी है एच। और अगर मैं त्रिभुज के परिमाप की बात करूं तो त्रिभुज का परिमाप होता है बेटा सभी भुजाओं का योग, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वाली भुजा कितनी है आपकी, आर और आर मिलके कितना हुआ टू आर, प्लस ये वाली भुजा सिलेंटाइट एल है, ये भी एल है, तो एल में एल जोड़ा कितना आएगा दो एल, क्या एक बटे दो से एक बटे दो कैंसिल, तो कैपिटल आर बराबर लिखूँ तो मैं टू आर इंटू एच, तो ये आ गया टू आर एच, दो दोनों में से कॉमन लिया दो कॉमन आया आर प्लस एल, ठीक है, दो से दो कैंसिल, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई स्मॉल आर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस एल, ये क्या आ चुकी है आपके। अगर मैं शंकु के अंदर एक गोला फिट करता हूँ तो गोले की क्या आ गई है रेडियस, उतारिए ये पूरा पॉइंट डिपेंड है, आपको मैंने क्षेत्रफल बताया था तो आपने सर्कल कितने अच्छे से बढ़ाए हैं, यही बात क्लियर है आप सभी को, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे चलते हैं नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चले आगे, चलो देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक शंकु है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या छह सेंटीमीटर वह उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रियक ऊंचाई 10, वैसे त्रियक ऊंचाई देगा नहीं, मैंने बता दिया आपको 6 8 10 एक समकोण त्रिभुज हो गया, त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है के अंदर एक बड़े से बड़ा गोला रखा जाता है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। ठीक है, अब आप ध्यान दें, अगर बड़े से बड़ा मुझे गोला रखना है तो एक बार बैक आइए आप। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, कैपिटल आर का फॉर्मूला बताया है स्मॉल आर इंटू एच स्मॉल आर प्लस एल, नीचे आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए आगे, अगर यहाँ बात करता हूँ तो मैं एक शंकु बना दूँ, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा 6, आर तो दे रखी है 6, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 8, और अगर मैं सिलेंट हाइट एल की बात करूँ तो सिलेंट हाइट एल की वैल्यू कितनी है 10, ये हाइट है एच, तो मुझे गोले की त्रिज्या चाहिए, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर मैंने अभी आपको बताया आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, ये बताया, देखिए नीचे ये लिखा है आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, ये था। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं स्मॉल आर की बात करूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 6, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 8, स्मॉल आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू कितनी है 10, ये आ गया 6 गुणा 8 बटा 16
आठ से 16 दो बार कैंसिल और दो से 6 कितनी बार, 3 सेंटीमीटर। यानी उस बड़े से बड़े गोले की रेडियस कितनी आ गई आपकी, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बन सकते हैं, तो गोले का आयतन बताइए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब सब प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी आपकी, गोले की आ जाएगी। मेन काम है बेटा पहले त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है भाई अमरेश का, 3 आंसर, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन बताओगे? एक शंकु है, अब की बार फिर दोबारा बताना, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है, हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 थी, हाइट इसकी 24 है, शंकु के अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है, शंकु के अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर मैं यहाँ गोले की त्रिज्या की बात करूँ, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय भैया ये कहती है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में 7 24 है, ये 7 है, ये 24 तो ये 25 आएगा, ये स्लेंट हाइट मैंने निकाल के दी थी आपको 25। सबसे पहला काम है अपना स्लेंट हाइट ज्ञात करने का, ठीक है। तो स्लेंट हाइट जब 25 आ चुकी है, तो मैंने अभी आपको रेडियस का फॉर्मूला बताया, गोले की त्रिज्या बराबर आर इंटू एच आर प्लस एयर, स्मॉल आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 24 है, अपॉन 7 प्लस 25, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, 7 गुणा 24 बटे 25 और 7 32, 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 चौके 32, 8 या 24, ये आ जाएगी 7 या 21 बटा 4, या तो 21 बटा 4 बोल सकता हूँ मैं अगर 4 से भाग दूँ तो, 4 पंजे 20, 5.25 सेंटीमीटर, या 5 सही 1/4 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? ठीक है, क्लियर है आप तक? अब बात करते हैं बेटा, शंकु यहीं पे कंप्लीट होता है, अब बात करते हैं छिन्नक की। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या आपको, एक बार जवाब दीजिए आप सभी। अब आप ध्यान दें छिन्नक पे, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का छिन्नक। वैसे छिन्नक में आपको अभी समझा चुका हूँ कि छिन्नक क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, छिन्नक का मतलब था अभी मैंने शंकु को जिसको काटा था ना, इस तरीके का जो पार्ट बच रहा था ये आपका क्या है, छिन्नक है। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, ये स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल आर है, ये इसकी ऊंचाई है एच, और ये इसकी स्लेंट हाइट है एल, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं इसकी स्लेंट हाइट की बात करूँ, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बेटा एल बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को?
अगर मैं इसके सीएसए की बात करूंगा कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। या फिर मैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, नीचे वाला क्या है छिन्नक बनता, तो देखिए ध्यान दीजिए इसका जो कंप्लीट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। और अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैंने ये बोला था आपको टोटल सरफेस एरिया टीएसए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि मैं इसके नीचे वाले बेस की बात करूं तो नीचे वाला एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊपर वाला भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये आ गया पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, क्या इन सब में से पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आपको, उतारिए इसको, यहाँ तक की बात सबको क्लियर, एक बार नोट कर लीजिए। रविंदर पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है भाई, ठीक है ध्यान दें। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम आएगा आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए यहां तक की बात क्लियर है क्या आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, और टोटल सरफेस एरिया को मैंने बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आधार जो है आपका नीचे वाला भी सर्किल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला भी सर्कल है लेकिन उसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों एरिया मैंने क्या कर दिए इसमें ऐड कर दिए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आयतन की बात करूँ तो 1/3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच, ये फॉर्मूले आपको बेटा याद करने पड़ेंगे इसके, तो इसके क्वेश्चन रेयर केस में पूछे गए हैं आपके। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप, अगर पूछ ले गलती से आपको पता होना चाहिए। देखिए अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इसका, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, एक छिन्नक है ये वाली रेडियस तो दे रखी है इसकी 28 सेंटीमीटर, वाली रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है आपसे, आयतन बताना है, आयतन का आयतन, देखना इसने कैपिटल आर की वैल्यू तो दे रखी है बेटा 28, स्मॉल आर की वैल्यू है 21, हाइट दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम पूछ। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे छिन्नक के आयतन की बात करूँ तो छिन्नक का आयतन होता है बेटा 1/3, अभी फॉर्मूला लिखा है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। अब आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन करवाना चाहता है केवल क्वेश्चन में ये चाहता है। ठीक है, तो पहले देखिए आप क्या लिखा है मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही लिखा है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस
कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, देखिए एक बटे तीन तो एक बटे तीन है, पाई को अभी पाई रहने दे रहा हूँ। कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 28, 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर 21 का स्क्वायर, प्लस कैपिटल आर 28 इंटू स्मॉल आर 21 थोड़ा एच की वैल्यू कितनी है बेटा 7। ठीक है, एक बटे तीन तो एक बटे तीन है, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रख लो आप रखना चाहो तो। ठीक है, 28 का स्क्वायर कितना आएगा 784, इसका स्क्वायर 441। अगर मैं यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 21 का गुणा करो 21 अट्ठे 168, हासिल 16, 21 दूनी 42 और 6 48 और 10 58, और गुणा में कितना है 7, क्या 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, केवल ऐड करना और मल्टीप्लाई करना क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। दोबारा समझना, 21 अट्ठे 168, हासिल 16, 21 दूनी 42 6 48 10 58। ठीक है, एक बार ऐड कर लो सबको, देखिए एक बटे तीन थोड़ा 22, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो जोड़ो भाई 8 और 1 9 और 4 13, हासिल 1, 8 और 1 9 और 4 13 और 8 21 की 1, हासिल 2, 5 और 2 7 4 11 और 7 18। ठीक है, क्या किसी से कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल होने का कोई चांस दिख नहीं रहा क्योंकि 3 का भाग जा ही नहीं रहा इसमें। 22 का गुणा करो, 22 3 66 6 22 और 6 28, तो 22 अट्ठे 176 और 2 178 17, 22 और 7 29 और 10 39, और बट्टे में कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा वॉल्यूम, भाग दे देंगे पॉइंटों में, दो को पॉइंटों में आ जाएगा, अगर आप फ्रैक्शन में देना चाहो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा। बात आंसर फाइंड आउट करना नहीं, बात सिर्फ इतनी है बेटा आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, कैलकुलेशन है ये, गुणा आपको ही करना है तो गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। आज का ये जो चैप्टर है आपका यहीं कंप्लीट हो गया, अब आपका वॉल्यूम चैप्टर ख़त्म है, इसके बाद अपन कल नए चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभरात्रि।